हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट, लॉन्ग एंड अनसाइंड विदाउट बेसिक कैरेक्टर टाइप। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप शॉर्ट, लॉन्ग या फिर अनसाइंड मॉडिफायर है उसको विदाउट बेसिक कैरेक्टर टाइप यूज़ करते हैं तो ये कैसे वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर कोई एरर आएगी, तो इस वीडियो में देखेंगे। और बाकी के हम इसमें प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे अपने कोड ब्लॉक पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना शॉर्ट, लॉन्ग और अनसाइंड विदाउट बेसिक डेटा टाइप। अगर आपने जैसे पहले तो हम लिख रहे थे इंटीजर a इक्वल टू 4, जैसे ये लिख रहे थे, तो जैसे ही आपने ये लिखा था तो क्या हो रहा था, आपका एक मेमोरी बन रही थी, उसमें आपका एक ब्लॉक बन रहा था जिसका नाम a था, उसका कुछ एड्रेस था, उसके आपका 2 बाइट का था, और उसमें आप वैल्यू स्टोर करा सकते थे, कितनी वैल्यू आपको स्टोर करना है। जैसे अपना 4 है, 4 तो 4 स्टोर हो जाएगी। अभी आपने अगर ये लिखना चाहा तो SHORT शॉर्ट b इक्वल टू 6 ये लिखा तो क्या होगा, या फिर आपने लॉन्ग c इक्वल टू 20 लिखा तो फिर क्या होगा, या फिर आपने अनसाइंड या d इक्वल टू 10 लिखा तो क्या होगा। तो ये क्या होने वाला है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर अगर कुछ भी आप नहीं लिखते हैं शॉर्ट इंटीजर, अगर आपने ये लिख सकते थे या फिर आप लिख सकते थे कि शॉर्ट इंटीजर, ये लिख सकते थे शॉर्ट इंटीजर या फिर आप लॉन्ग इंटीजर लिख सकते थे। अगर आपने यहाँ पर कोई इंटीजर यूज़ नहीं करा है, या फिर आपने करेक्टर यूज़ नहीं कराया, फिर कुछ भी यूज़ नहीं कराया आपने, ठीक है, तो उसकी जगह आपका क्या आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, ये आपका लेके चलेगा कि मैं क्या हूँ, एक इंटीजर हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका सारे आपका कैसे बिहेव करेगा, एक एज एन इंटीजर की तरह, ये आपका सारा इंटीजर की तरह बिहेव करेगा। जैसे इंटीजर बिहेव करता है, जैसे आपका इंटीजर बिहेव करता है, वैसे ही आपका ये सब चीज़ें बिहेव करेंगी, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या फिर अनसाइंड हो। और ये सिंपली आप प्रिंट करा सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपका प्रिंट जो है, प्रिंट एफ भी आपका वैसे ही वर्क करेगा, जैसे परसेंटेज भी आपको ये प्रिंट कराना है, बी प्रिंट कराना है, ठीक है ना, तो आप बी डायरेक्टली प्रिंट इसमें करा सकते हैं, ये वैल्यूज आपके यहाँ पर आ जाएगी और आपके प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए प्रोग्राम हम रन करा के देखते हैं कि कोड ब्लॉक में आपका चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आपका कोड ब्लॉक में, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंटीजर a इक्वल टू 4, शॉर्ट b इक्वल टू 6, लॉन्ग c इक्वल टू 20 और अनसाइंड d इक्वल टू 30। अभी ये चारों जो हैं आपके वो इंटीजर की तरह बिहेव करेंगे तो ही आपका नीचे वाला ये प्रिंट होगा, नहीं तो कुछ और भी प्रिंट हो सकता है। तो हम इसे रन करा के देख लेते हैं। हम इसे नीचे देखिए, ये प्रिंट एफ में हम चारों को प्रिंट करा रहे हैं परसेंटेज d से। तो परसेंटेज डी जो यूज़ होता है वो इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। अगर ये प्रिंट होते हैं तो हमारा सब कुछ ठीक जाएगा। अब इसको हम कराते हैं रन, बिल्ड और रन कराएंगे अपने कोड ब्लॉक में। कोई और भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं आप, टर्बो सी भी यूज़ कर सकते हैं, देव सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4, 6, 20 और 30 आ रहा है, मतलब कि ये चारों जो हैं वो इंटीजर की तरह बिहेव कर ही रहा है, बट शॉर्ट विदाउट एनी डाटा टाइप ये आपका इंटीजर बिहेव कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज वैल्यूएबल फॉर ऑल, सो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।